साल 2020 में कोरोना महामारी की वजह से फिल्म इंडस्ट्री पर काफी प्रभाव पड़ा है। सिनेमा हॉल में रिलीज होने वाली कई फिल्म्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज की गईं। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि अगले साल यानी 2021 में कई फिल्मों को सिनेमा हॉल में रिलीज किया जाएगा, जहां दर्शक पहले की ही तरह न सिर्फ फिल्मों को एंजॉय कर पाएंगे बल्कि अपने फेवरेट स्टार्स को पर्दे पर देख भी पाएंगे। आज के रील रिवाइंड में हम बात करेंगे उन सभी फिल्म्स के बारे में जो अगले साल यानी 2021 में रिलीज हो सकती हैं। पर इन फिल्म्स की बात करें उससे पहले, अगर आपने नहीं किया है रील रिवाइंड को सब्सक्राइब तो अभी कीजिए और साथ में लगा बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रील रिवाइंड और मैं हूँ फरहा। सबसे पहले बात करेंगे सूर्यवंशी की। अक्षय कुमार और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म सूर्यवंशी इस साल रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस साल आई कोरोना महामारी की वजह से इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म अगले साल यानी 2021 में रिलीज कर दी जाएगी। रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में लोगों को अक्षय कुमार का जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। ब्रह्मास्त्र। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ये मोस्ट अवेटेड फिल्म शूटिंग के दिनों से ही काफी चर्चा में है। मल्टी स्टारर इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, नागार्जुन अक्किनेनी और मौनी रॉय भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। आयान मुखर्जी द्वारा डायरेक्ट की हुई सुपर पावर पर आधारित ये फिल्म अगले साल रिलीज हो सकती है। हालांकि इस फिल्म की रिलीज डेट कई बार पोस्टपोन की जा चुकी है, ऐसे में माना जा रहा है कि ये फिल्म अगले साल ही रिलीज होगी। बच्चन पांडे। अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे तमिल फिल्म वीरम का हिंदी रीमेक है। उनकी ये फिल्म अगले साल 22 जनवरी को रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा कृति सैनन, जैकलिन फर्नांडिस लीड रोल में नजर आएंगी। वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म को फरहाद सामजी ने डायरेक्ट किया है। इससे पहले फरहाद और अक्षय कुमार हाउसफुल 4 और एंटरटेनमेंट जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। धमाका। पिछले महीने कार्तिक आर्यन ने अपने 30वें जन्मदिन पर अपनी फिल्म की घोषणा की थी। राम माधवानी द्वारा डायरेक्ट ये फिल्म अगले साल रिलीज होगी। हालांकि अभी तक इसकी फाइनल डेट का खुलासा नहीं किया गया है। सामने आए फिल्म के मोशन पोस्टर से साफ है कि कार्तिक आर्यन इस फिल्म में सीरियस रोल में नजर आने वाले हैं। बता दें कि राम माधवानी इससे पहले सोनम कपूर स्टार नीरजा डायरेक्ट कर चुके हैं। अतरंगी रे। अक्षय कुमार, सारा अली खान और धनुष स्टारर अतरंगी रे की शूटिंग फिलहाल जारी है। इस फिल्म को अगले साल वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज किया जाएगा। रोमांटिक ड्रामा इस फिल्म में सारा अली खान डबल रोल में नजर आएंगी। फिल्म में सारा अक्षय कुमार और धनुष के किरदारों के साथ दो अलग युगों में रोमांस करती नजर आएंगी। वहीं आपको बता दें कि फिल्म का म्यूजिक AR रहमान ने तैयार किया है। 83। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म 83 का इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे हैं। फिल्म की कहानी भारत के पहले वर्ल्ड कप जीतने पर आधारित है। फिल्म में रणवीर सिंह कपिल देव की भूमिका में नजर आएंगे। वहीं रणवीर सिंह के अलावा पंकज त्रिपाठी, ताहिर राज भसीन, साकिब सलीम, बोमन ईरानी जैसे एक्टर्स मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म अगले साल जनवरी में रिलीज हो सकती है। भूत पुलिस। मल्टी स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म को पवन कृपलानी डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में पहली बार यामी गौतम और जैकलिन फर्नांडिस साथ में नजर आएंगी। वहीं मेल लीड रोल की अगर बात करें तो अर्जुन कपूर और सैफ अली खान इस फिल्म में नजर आएंगे। फिलहाल फिल्म की शूटिंग हिमाचल प्रदेश में चल रही है। शूटिंग के दौरान की तस्वीरें जैकलिन अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी करती रहती हैं। गोलमाल फाइव। हिंदी सिनेमा के सबसे लंबी चलने वाली फ्रेंचाइजी में से एक गोलमाल 5 अगले साल रिलीज हो सकती है। फिल्म की कास्ट लगभग वही होगी। वहीं इस फिल्म को लेकर रोहित शेट्टी ने पिछले साल ही घोषणा कर दी थी। गोलमाल सीरीज की अब तक की सभी फिल्मों को लोगों ने खूब पसंद किया है। अब देखना है कि गोलमाल 5 में क्या अलग देखने को मिल सकता है। लाल सिंह चड्ढा। आमिर खान और करीना कपूर स्टारर लाल सिंह चड्ढा अगले साल रिलीज होगी। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान की ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गैम का रीमेक है। ये फिल्म इस साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म अगले साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज की जा सकती है। तख्त।
करण जौहर की मल्टी स्टार फिल्म तख्त की प्लानिंग लंबे समय से चल रही है। उनकी ये फिल्म अगले साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज की जाएगी। फिल्म में आलिया भट्ट, करीना कपूर खान, विक्की कौशल, रणवीर सिंह, अनिल कपूर, जानवी कपूर और भूमि पेडनेकर जैसे स्टार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म है। राम सेतु। राम सेतु की घोषणा दिवाली के दिन की गई। अक्षय कुमार इसके पहले पोस्टर के साथ ये बता रहे हैं कि फिल्म राम की कथा को दिखाएगी, लेकिन इसका अंदाज बिल्कुल अलग होगा। राम सेतु के बनाने की हकीकत को इस फिल्म में दिखाया जाएगा। क्या राम सेतु सच में है या सिर्फ ये अफवाह है? फिल्म का डायरेक्शन अभिषेक शर्मा कर रहे हैं। आने वाले साल में ये रिलीज हो सकती है। आदि पुरुष। एक और बहुचर्चित फिल्म की बात की जाए तो वो है आदि पुरुष। प्रभास और सैफ अली खान की ये राम रावण वाली फिल्म 2021 में रिलीज हो सकती है। फिल्म का बजट 300 करोड़ के करीब बताया जा रहा है। सलार। KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी नई एक्शन से लबरेज फिल्म सलार को प्रभास के साथ मिलकर ला रहे हैं। 2 दिसंबर को फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया गया। ये फिल्म पूरी तरह एक्शन फिल्म होगी। RRR के भी बैक टू बैक कई पोस्टर रिलीज किए गए। साल की शुरुआत में मेकर्स ने रामचरण का पहला लुक जारी किया था। इसके बाद जूनियर NTR का लुक भी सामने आया। इस मल्टी स्टार फिल्म में अजय देवगन और आलिया भट्ट भी दिखाई देंगे। SS राजामौली के निर्देशन में बनी ये फिल्म साल 2021 में रिलीज होगी। सत्यमेव जयते 2। जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते 2 का पहला पोस्टर रिलीज किया गया है। ये फिल्म 2021 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। जॉन के साथ इस फिल्म में दिव्या खोसला कुमार भी हैं। फिल्म देशभक्ति का फ्लेवर लेकर आएगी। गणपत। टाइगर श्रॉफ ने भी अपनी सुपर एक्शन फिल्म गणपत का पहला पोस्टर रिलीज किया है। जबरदस्त एक्शन की ये फिल्म अपने मोशन पोस्टर के साथ छा गई। ये फिल्म साल 2021 के आखिर में रिलीज हो सकती है। टाइटल भूमिकाओं में इसमें टाइगर श्रॉफ दिखाई देंगे। सुसाइड और मर्डर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी मौत से जुड़ी इस फिल्म सुसाइड और मर्डर का भी पहला पोस्टर रिलीज हुआ। ये फिल्म भी 2021 में रिलीज की जा सकती है। सचिन तिवारी, जो कि सुशांत के हमशक्ल बताए जाते हैं, वो इस फिल्म में सुशांत की भूमिका निभा रहे हैं। बेल बॉटम। अक्षय कुमार की बेल बॉटम को भी लेकर ये डिटेल सामने आई है कि ये फिल्म अप्रैल 2021 में रिलीज होगी। अक्षय ने इसका पोस्टर भी शेयर किया। फिल्म की शूटिंग का एक शेड्यूल भी पूरा हो चुका है। रंजीत एम तिवारी के निर्देशन में बन रही ये फिल्म एक स्पाई थ्रिलर है। मैदान। भारतीय फुटबॉल के सुनहरे काल पर आधारित मैदान पहले अगस्त 2021 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसकी शूटिंग प्रभावित हुई। हिंदी के साथ साथ ये फिल्म तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज होगी। तो ये है उन फिल्म्स की लिस्ट जो साल 2021 में रिलीज होने वाली हैं। इन फिल्म्स में से कौन सी का है आपको बेसब्री से इंतजार, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और रियल रिवाइंड को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Real Rewind.